काफ़ी छोटा कीबोर्ड है यार, 60% लेस, कॉम्पैक्ट का भी कॉम्पैक्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सुशांत सतम, आप देख रहे हो वर्क विद स्टाइल चैनल। जो आज जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है जेब्रॉनिक्स का वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड, अ गेमर्स ड्रीम, एक वायरलेस कीबोर्ड वो भी गेमिंग एंड द मैकेनिकल वन। आज की डेट में कहाँ इस रेंज में मिलता है, कहाँ आप लेने जाओ, स्टील सीरीज, रेजर, कोई नॉर्मल ब्रांड का भी लेने जाओ तो पहली बात तो वो बनाते नहीं है, और बनाते भी हैं तो 10-12 हज़ार के रेंज में के नीचे नहीं मिलता है, वो भी मैं कम बता रहा हूँ, 15-20 हज़ार तक आपको जाना पड़ता है एक ठीक ठाक वायरलेस कीबोर्ड के लिए। बट एज यू नो, जेब्रॉनिक्स हमेशा एक बजट रेंज में चीज़ों को लॉन्च करता है, तो सेम विद दिस कीबोर्ड, बट दिस स्मॉल थिंग इज अ वायरलेस कीबोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। एक्चुअल में आपको एक बहुत अच्छी पैकेजिंग में मिल जाएगा, पैकेजिंग नो डाउट, वेल डन जेब्रॉनिक्स। बॉक्स के अंदर आपको एक कीबोर्ड मिल जाता है, और क्या देंगे कीबोर्ड का पैकेट, तो कीबोर्ड का पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छा कर रखा है इन्होंने, जिसमें कंप्लीट सेफ्टी के साथ आपका कीबोर्ड आपको मिलता है, साथ ही साथ आपको एक बुकलेट मिल जाता है और एक सी टाइप केबल विथ अ प्लकर, यू नो, कीज निकालने के लिए। सो लेट्स जंप टू द फीचर्स डायरेक्टली। तो ये जो कीबोर्ड आप सामने देख रहे हो ये 61 की के साथ आता है, दैट इज 60% लेस। इसका साइज आप हाथ में देख लो कितना कॉम्पैक्ट है, इसके बाद आप सोच सकते हो कि आपकी बेंच में कितना स्पेस बचाएगा, दैट टू वायरलेस। अब इसको आप कंपेयर करो एक फुल लेंथ कीबोर्ड के साथ, आप डिफरेंस देख सकते हो कि कितना लंबा कीबोर्ड है और ये कितना छोटा कीबोर्ड है। और आप देख सकते हो एक और कॉम्पैक्ट वर्जन जो इससे थोड़ा बड़ा है साइज में, जिसका रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, ऊपर लिंक पर आप जाकर, बट ये भी वायरलेस नहीं है। बस ये कीबोर्ड आपको 3 मोड्स के साथ मिल जाता है, और वो तीनों आप इसके बॉटम से चेंज कर सकते हो, जो कि है वायरलेस 2.4 GHz, USB टाइप एंड ब्लूटूथ। और इसका आप नैनो डोंगल देख सकते हो कि कितना कॉम्पैक्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस कीबोर्ड को मैंने क्यों मंगाया, जो कि मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, बट एक बजट होता है यार हर आदमी का, 20,000 रुपये का वायरलेस कीबोर्ड लेने का कोई मतलब नहीं था, तो इस रेंज में जब मुझे मिला मैंने इस कीबोर्ड को ऑर्डर किया। ये कीबोर्ड आप 3 डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, 3 लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, 3 PC के साथ, एक मोबाइल, एक लैपटॉप, एक PC के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप पूरे टेबल पे एक ही कीबोर्ड से आप स्विच कर सकते हो 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस में। अब जब चाहो आप फंक्शन बटन को क्लिक करके इसके सिलेक्शन को चेंज कर सकते हो, एंड ये इसका USP है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर यार, कहाँ मिलता है प्राइस में आपको। सो ये कीबोर्ड आपको इंटरनल बैटरी के साथ मिल जाता है, जो कि चार्जेबल है, आपके USB केबल से चार्ज हो सकता है, और चार्ज होने में समय लेता है, 3 घंटे ऑलमोस्ट इसको फुल चार्ज होने में लगता है, और बैकअप इसका काफी अच्छा है। मैं इसको 2 दिन से यूज कर रहा हूँ, अभी तक इसका कोई बैटरी डाउन नहीं हुआ, इट मीन्स ये काफी अच्छा बैकअप आपको 10 घंटे के ऊपर का बैकअप दे देता है। इसके साथ जो आपको केबल मिलता है वो ब्रेडेड तो नहीं है, रबर बेस्ड केबल है, बट इट्स ओके यार, रबर बेस्ड में भी आप इसको उतना तो यूज करोगे, सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज करोगे तो खराब होने की बात नहीं है, और ये आपको 1.5 मीटर लेंथ के साथ मिल जाता है। और जैसा आप इंक्रिप्शन देख सकते हो कि कीज के ऊपर तो इंक्रिप्शन है ही, और बट नीचे भी आप इंक्रिप्शन देख सकते हो, हर कीज के नीचे दिया हुआ है, उसी के बदौलत इस कीबोर्ड को छोटा किया गया है, जो कि आप फंक्शन की बटन को यूज करके किसी भी की को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपको वीडियो पॉज करना है तो आप फंक्शन प्लस आई दबाओगे, और एंड देन यू कैन यूज ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस कीबोर्ड। ये कीबोर्ड ऑलमोस्ट 615 ग्राम का है जो कि लिखा हुआ है, और कीबोर्ड को वेट से आपका क्या करना है भाई, जितना अच्छा वेट रहेगा उतना अच्छा स्टडीनेस रहेगा आपका टेबल पर, मतलब कीबोर्ड इधर उधर नहीं घिसकेगा। और कंपनी कहती है कि ये 30 मिलियन स्ट्रोक्स तक नहीं खराब होने वाला। फिर से बताने के लिए दोस्तों, वो इसलिए लिखती है कि 30 मिलियन तक अगर ये कीज स्ट्रोक को झेल सकता है, मतलब ये काफी वक्त तक ड्यूरेबल रहेगा, जल्दी इसके कीज ढीले ढाले नहीं होने वाले। वैसे तो ये कीबोर्ड आपको 2 कलर ऑप्शन में मिल जाता है, मैंने ब्लैक वाला मंगाया, मेरे को व्हाइट वाला ज्यादा पसंद था, बट वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं था। अब आप लोगों को रिव्यू दिखाना था तो मैं ज्यादा वेट कर नहीं सकता था, तो मैंने इसलिए मंगवा लिया, और व्हाइट वाला ऑलमोस्ट इस कलर में आएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप प्लान कर रहे हो खरीदने का और आपको व्हाइट कलर पसंद है तो यू शुड गो विथ अ व्हाइट कलर। ये कीबोर्ड आपको एंटी रोलिंग फीचर के साथ आता है, एंटी रोलिंग, अभी तक तो एंटी घोस्टिंग की बात कर रहा था, अरे सेम ही है ऑलमोस्ट, दैट मींस कि आप एक साथ अगर सारी कीज को भी क्लिक कर देते हो तो ये सारे कीज रजिस्टर होते हैं, ये नहीं कि भाई कीज रजिस्टर ना हो या कोई एक दो मिस हो जाए, मतलब एट ए टाइम 2 पीपल इस पर कीबोर्ड पर गेम खेल सकते हैं, पर यार इतने छोटे कीबोर्ड पे 2 लोग तो खेलने का मतलब नहीं बनता है। अब एक बार इसके RGB इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसके RGB फंक्शन, इसमें आपको 25 लाइट प्रीसेट्स मिल जाते हैं, और कम्प्लीटली RGB है, सारा कुछ कस्टमाइजेबल है, कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, बट आप फंक्शन से इसके कलर मोड्स को चेंज कर सकते हो। एज यू कैन सी, आप किसी भी एक कलर पे इसको डिफाइन कर सकते हो, देयर आर मेनी कलर ऑप्शंस, प्लस आप इसके लाइट के स्पीड को चेंज कर सकते हो, आप इसके ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो।
एक फीचर जो इसके बुकलेट में नहीं लिखा हुआ है वो ये है कि आप फंक्शन जेड की को होल्ड करके आप इसके कीज को सेपरेटली कस्टमाइज कलर का कर सकते हो। हर एक कीज अपने अलग कलर रिकॉर्ड कर रहा है। सो लास्ट में इसके बेस्ट पार्ट और कॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका बेस्ट पार्ट है कि भाई ये कीबोर्ड काफ़ी छोटा है, आपके टेबल पर काफ़ी स्पेस बचाएगा, प्लस आप एक ही कीबोर्ड वायरलेसली बिना किसी वायर के झंझट के आप अपने तीन सिस्टम के साथ इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। इट सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस और ये गेमिंग कीबोर्ड है विथ वेरी लो लेटेंसी, जो कि मैंने गेम परफॉर्मेंस में देखा, लेटेंसी का कोई इसमें इशू नहीं है। एंड जेब्रोनिक ने इसको 4000 के रेंज में लॉन्च किया है। कोई भी और कीबोर्ड वायरलेस गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड अभी तक इस रेंज में अवेलेबल नहीं है अमेजोन या कहीं पे भी, एटलीस्ट फ्रॉम अ ब्रांड। प्लस इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो भी क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है। प्लास्टिक यूज किया गया है नो डाउट, बट ओवरऑल क्वालिटी काफी अच्छा है। इसी कीबोर्ड में आपको ऑप्शन दिया है कि पीछे आप आराम से इसके डोंगल को फिट करके रख सकते हो कि डोंगल कहीं इधर उधर गायब ना हो। प्लस इसमें आपको कोई क्लिप नहीं मिलता जिससे आप इसको रेज कर सको, क्योंकि इसका जो आप देख सकते हो ऑलरेडी एक रेज बनाया हुआ है, तो रेज करने का कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं है, इसलिए कोई क्लिप दिया नहीं है। कॉन्स की बात करें तो भाई काफी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स उनके लिए है जो इस कीबोर्ड को पहले नहीं यूज किया या कोई भी 61 कीज वाला कीबोर्ड पहले नहीं यूज किया। क्यों? क्योंकि काफी कीज को आपको शॉर्ट की में यूज करना पड़ता है। इवन जो एरोस कीज हैं वो सेपरेटली नहीं दिया गया है, एंड यू विल हैव टू क्लिक फंक्शन शिफ्ट टुगेदर टू चेंज इट टू एरो बटन एंड साइमल्टेनियसली टू द अदर वन। तो क्या करें, 61 कीज कीबोर्ड में यही ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप कोई भी कीबोर्ड ले लो। जो इसका ब्लैक कलर कीबोर्ड है उसमें जो इंस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने वो उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता अगर प्रॉपर लाइट ना हो, जबकि आप व्हाइट वाला लोगे तो वो बहुत अच्छा क्लियरली विजिबल है, इसलिए लोग व्हाइट वाला पसंद कर रहे हैं और व्हाइट वाला आउट ऑफ मार्केट है राइट नाउ। एंड वन मेजर कॉन इज इसमें कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता है, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट का करना भी क्या यार, कितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे? आई डोंट थिंक कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट हर जगह रिक्वायर्ड है। ये कीबोर्ड जो है आपको ब्लू स्विचेस के साथ मिल जाता है, मैं खोल के दिखाने नहीं जा रहा हूँ यार, कहीं टूटने का डर होता है यार, भाई खरीदा हूँ डर लगता है कहीं टूट ना जाए। एक बार इसकी आवाज भी सुन लेते हैं। इसकी आवाज सुन के आप बताओ कि आपको ये कीबोर्ड कैसा लग रहा है। काफी टैक्टाइल साउंड करता है, आई थिंक अगर आपको ब्लू स्विचेस पसंद है तो आपको कीबोर्ड से प्यार हो जाएगा। बट हाँ, एक और बात है कि ये कीबोर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्विचेस के साथ ही लॉन्च किया जेब्रोनिक्स ने, गोइंग फॉरवर्ड माइट बी इसको दूसरे कीज के साथ भी लॉन्च करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड। कीबोर्ड अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, वहां से जाके खरीद सकते हो मेरे एफिलिएट के थ्रू। और इसी तरह के रिव्यूज के साथ मैं आते रहूं, इसके लिए आप लोगों का प्यार बना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।